वित्तीय घाटे के कारण बिकने की कगार पर पहुंची एयर इंडिया की कंपनी की माली हालत सुधारने के लिए अहम निर्णय लिया है। एयर इंडिया ने केंद्र सरकार के अधीन मंत्रालय, विभाग और एजेंसियों को उधारी पर टिकट देने पर रोक लगा दी है। बताया जा रहा है कि ऐसे मंत्रालय, विभाग और एजेंसियों पर कंपनी का 10 लाख से अधिक बकाया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार के अधीन सरकारी विभागों पर एयर इंडिया का 268 करोड़ बकाया है। इसमें देश की सुरक्षा एजेंसियां भी शामिल है। आमतौर पर सरकारी विभाग और एजेंसियां एयर इंडिया से क्रेडिट यानी उधार पर यात्रा के लिए टिकट बुक करा लेती है और उनका पेमेंट सालों साल लटका रहता है। दरअसल एयर इंडिया सरकारी एयरलाइन है, इसलिए इसके बकाए को चुकाने के लिए सरकारी विभाग भी कोई जल्दबाजी नहीं दिखाते हैं। एयर इंडिया के प्रवक्ता धनंजय का कहना है कि बकायादारों से एयरलाइन ने वसूली शुरू कर दी है। 268 करोड़ में से जल्द ही 50 करोड़ मिलने वाले हैं। इधर लगातार घाटे में चल रही एयर इंडिया का निजीकरण करने में केंद्र सरकार जुटी हुई है। इस मसले पर सरकार जल्द ही फैसला ले सकती है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।